हेलो दोस्तों, किरण किचन में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको मिर्ची फ्राई की रेसिपी बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ये लंबी वाली मिर्ची ली है, आप कोई भी मिर्ची अपनी ले सकते हैं, ये थोड़ा कम तीखी होती है। तो दोस्तों मैं हम इसका ये ऊपर से ये जो डंठल होता है इसका, इसको हटा के दोस्तों बीच में से चीरा मार लेंगे। आप इसको पूरा बीच में से दो हिस्सों में भी कट कर सकते हैं, बट मैं इसमें चीरा मारूंगी। तो दोस्तों हम इसको चीरा मारकर तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे मिर्चों को कट कर लिया है, बीच में से मैंने इन पे चीरा मारा हुआ है। इसके मतलब मैंने इसको दो हिस्सों में नहीं करा दोस्तों, केवल मैंने इसमें चीरा मारा है और बीज इसी में ही है, बीज को आप इसमें से ना निकालें। तो दोस्तों अब हम पैन को गर्म करने के लिए रख लेते हैं और अपनी मिर्ची फ्राई करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पैन को हीट कर लिया था और मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच यहाँ पे फॉर्चून ऑयल डाला है। दोस्तों आप देसी घी भी डाल सकते हैं और आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पिंच ऑफ यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ। अच्छे से आप तेल को गर्म कर लीजिए और दोस्तों हाफ टी स्पून मैं इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ, सरसों के दाने। और दोस्तों आप इसको अच्छे से भून लीजिए। और दोस्तों मैं 1/4 टी स्पून इसमें साबुत जीरा डाल रही हूँ। और दोस्तों ये भून रहे हैं, भून चुके हैं। तो दोस्तों अब इसमें हम अपनी मिर्ची डाल देते हैं और दोस्तों इनको मिक्स कर देते हैं। आप इसको दोस्तों इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों हमारी मिर्च हल्की भून गई है। तो दोस्तों अब हम इसमें सीजनिंग करेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं 1/4 टी स्पून ही मैं यहाँ पे हमारा नॉर्मल सॉल्ट ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, आधा चम्मच, हाफ टी स्पून। और दोस्तों मैं 1/4 टी स्पून यहाँ पे टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, हल्दी पाउडर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 1/4 टी स्पून यहाँ पे काला नमक लिया है, ब्लैक सॉल्ट आप इसमें डाल देंगे। आप इसको स्किप ना करें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे 1.5 टी स्पून मैं यहाँ पे सौंफ पाउडर डाल रही हूँ। और दोस्तों सौंफ पाउडर का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है और सौंफ वैसे भी स्टमक के लिए ठंडी होती है। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी कर सकते हैं सौंफ को, सौंफ ज़्यादा भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देगी। और दोस्तों अब हम इनको सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं मिर्च के साथ। तो दोस्तों मिर्चों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है मसाले के साथ और अब दोस्तों हम इसको कम फ्लेम पर ढक के पका लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। दोस्तों हमने इसको कवर करके पकाएंगे हम इसको। तो दोस्तों हम अपने मिर्ची को देख लेते हैं हमें इसको। दोस्तों अभी ये थोड़ा पकने में इसमें कमी है, तो दोस्तों हम इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे ढककर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी मिर्ची बनके बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे बंद करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी मिर्च को हमने निकाल लिया है प्लेट में और दोस्तों मैंने यहाँ पे हाफ लेमन लिया है। और दोस्तों अब हम इसमें स्क्वीज कर देंगे लेमन, और लेमन इसमें स्क्वीज करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही टैंगी फ्लेवर इसमें आएगा। और दोस्तों अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे मिर्च बनके बिल्कुल ही रेडी है और अगर आप इसको अपने खाने के साथ में लें और आपको ये बहुत पसंद आएगी, आप इसे प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर दोस्तों आपको ये मिर्ची फ्राई की रेसिपी मेरी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।